ऑनलाइन वोटर करेक्शन करने के लिए हमको गूगल में टाइप करना होगा NVSP, और हम सीधा इंटर करने के बाद पहुंच जाएंगे इस NVSP सर्विस पोर्टल पर। ये जो वेबसाइट है वो है www.nvsp.in। यहाँ देखिए एप्लीकेशन स्टेटस वगैरह दिया है, लेकिन हम सीधा NVSP सर्विस पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये विंडो आ जाएगा, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। ये आने के बाद अभी हम करेक्शन करने जा रहे हैं, तो हम दो पार्ट से करेक्शन कर सकते हैं। एक तो आपके पास पहले वोटर आईडी है, अगर पहले वोटर आईडी है तो हम यहाँ आके सर्च यूअर नेम इन इलेक्ट्रॉल रोल में आके हमारा कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, जो कि फिर बाद में हमको ये जो करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन इलेक्ट्रॉल रोल है फॉर्म 8 में हम करते हैं, इसमें ज़रूरत पड़ेगी उस इन्फॉर्मेशन की, तो हम उसे पा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हम इधर हमारा सर्च योर नेम पे क्लिक किया तो हमारे पास दो पॉइंट्स आए, जैसे कि देखिए विवरण द्वारा खोज, सर्च बाय डिटेल्स। अगर आपके पास डिटेल्स है तो आपको इतना सारा भरना पड़ेगा, या फिर सिंपली अगर आप सर्च बाय इपिक नंबर करेंगे, पहचान पत्र क्रमांक द्वारा खोज, तो सीधा इधर आ जाएंगे। आपको खाली इपिक नंबर डालना है और स्टेट सिलेक्ट करना है और ये कैप्चा नेक्स्ट टेक्स्ट डालने का है। अभी ये क्लिक किया तो हमें पहचान पत्र क्रमांक द्वारा खोज या सर्च बाय एपिक नंबर, यहाँ एपिक नंबर डालेंगे, यहाँ राज्य रहेगा जो भी है, देखिए ये ड्रॉप डाउन मेनू है, यहाँ ये क्लिक किया हमने तो इतने सारे भारत के राज्य आ गए हमारे सामने। आप जिस राज्य के निवासी होंगे वो राज्य सिलेक्ट करेंगे, फिर ये कैप्चा टेक्स्ट डालेंगे और आप सर्च करेंगे तो आपके सामने सब आपके डिटेल्स आ जाएंगे। ये देखिए हमने एपिक नंबर डाल दिया, हमारा स्टेट में हम जाएंगे तो महाराष्ट्र स्टेट है तो महाराष्ट्र स्टेट डालेंगे, अगर बंगाल है, बिहार है तो बिहार डालेंगे, मणिपुर है तो मणिपुर डालेंगे, जो स्टेट है वो डालेंगे, पंजाब है तो पंजाब, इस प्रकार से हम सिलेक्ट करते जाएंगे स्टेट के अनुसार। और फिर अभी हम कैप्चा टेक्स्ट टाइप करेंगे, जो जैसा दिया है वैसा टाइप करेंगे और ये सर्च में हम एंटर कर दिया। सर्च में अब जब हम एंटर करते हैं तो हमारे सामने पूरा डिटेल्स आ जाता है, देखिए ये सब ये पे एक नंबर है, ये नेम, एज, फादर्स हस्बैंड्स नेम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पोलिंग स्टेशन, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये सब दिया है। अभी हम एक्शन में व्यू डिटेल्स क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वोटर इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। वोटर इन्फॉर्मेशन में हमें दो पॉइंट्स की ज़रूरत रहती है, जैसे कि पार्ट नंबर यानी भाग संख्या, और दूसरा रहता है मतदाता क्रमांक यानी सीरियल नंबर, ये इलेक्ट्रॉल रोल है इसमें हमें ये चाहिए होता है। तो इस प्रकार से फिर हम बैक आ जाएंगे और फिर ये देखिए हम होम पेज पे आ जाएंगे, ये देखिए होम पेज पे यहाँ से भी आ सकते हैं हम, और फिर हम जाएंगे करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन इलेक्ट्रॉल रोल जो कि है फॉर्म 8। जाते जाते ये बता देते हैं आपको कि देखिए ये सब है, इसमें ये है अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू वोटर न्यू ड्यू टू शिफ्टिंग फ्रॉम AC अकाउंटेंट, तो ये देखिए ये न्यू वोटर के लिए ये रहेगा फॉर्म 6 भरना, अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ओवरसीज वोटर के लिए फॉर्म 6 ये है, और ये है देखिए फॉर्म 7, ये है डिलीशन और ऑब्जेक्शन इन इलेक्टोरल रोल, और ये है ट्रांसपोर्टेशन विद इन असेंबली अगर है तो फॉर्म 8A, अगर आपको एप्लीकेशन आपने कर दिया उसके बाद ट्रैक करना है एप्लीकेशन तो उसके लिए एप्लीकेशन स्टेटस के लिए ट्रैप एप्लीकेशन स्टेटस, इस प्रकार से है सब। और लेकिन आज हमारी ज़रूरत है करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन इलेक्टोरल रोल, तो हम इसको क्लिक करेंगे फॉर्म 8 को। फॉर्म 8 को क्लिक करने के बाद ये हमारे सामने सब ये विंडो आ जाएगा, इसमें हमारे पास सबसे पहले है भाषा का चयन करें, हिंदी अगर आप है हिंदी भी ले सकते हैं या इंग्लिश भी ले सकते हैं, मान लीजिए हमने इंग्लिश लिया तो हमारे सामने ये सब आ जाएगा, फील्ड्स मार्क्ड विद एस्टेरिक्स आर मैंडेटरी फॉर्म 8 सी रूल्स 13 एंड 26, एप्लीकेशन फॉर करेक्शन टू पर्टिकुलर्स एंटर्ड इन इलेक्टोरल रोल 2। तो अभी हम इसमें सिलेक्ट करते जाएंगे, जैसे कि स्टेट में ये ड्रॉप डाउन मेनू है, ये देखिए इतने सारे स्टेट दिए हैं, अगर आप हिमाचल प्रदेश के हैं तो हिमाचल प्रदेश सिलेक्ट करेंगे, अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं तो छत्तीसगढ़ सिलेक्ट करेंगे, इस प्रकार से। तो यहाँ हमने सिलेक्ट किया महाराष्ट्र, अभी डिस्ट्रिक्ट तो
महाराष्ट्र के जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट, वो सब उनका लिस्ट आ जाएगा। अगर आप कर्नाटक सिलेक्ट किया तो कर्नाटक के जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो सब आ जाएंगे इस प्रकार से। अभी इसमें देखिए, ये हमने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया धुले, असेंबली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इसमें हम सिलेक्ट करेंगे फिर से धुले। तो इस प्रकार से हमने अभी एप्लीकेशन फॉर करेक्शन टू पर्टिकुलर्स एंटर्ड इन इलेक्टोरल रोल टू स्टेट, स्टेट में हमने महाराष्ट्र सिलेक्ट किया, डिस्ट्रिक्ट में धुले सिलेक्ट किया, असेंबली धुले सिटी। आई रिक्वेस्ट दैट एंट्री रिलेटिंग टू माई सेल्फ अपेयरिंग इन द इलेक्टोरल रोल द अबव कॉन्स्टिट्यूएंसी इज नॉट करेक्ट। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो मेरा एंट्री हुआ है तो कुछ एंट्री करेक्ट नहीं है, एंड इट शुड बी करेक्टेड, वो करेक्ट होना चाहिए। करेक्ट पर्टिकुलर्स इन सपोर्ट ऑफ माई रिक्वेस्ट आर गिवन बिलो, जो पर्टिकुलर्स जो करेक्ट करने हैं वो यहाँ नीचे दिए हैं। एप्लीकेंट डिटेल्स जैसे कि नेम में हम टाइप करेंगे, जो हम टाइप यहाँ करेंगे उसका हिंदी में इधर करेक्शन आ जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो नाम हमने टाइप किया, जैसा कि हमने कुछ दूसरा टाइप किया और वो करेक्ट नहीं आया आपके नाम के अनुसार जो कि चाहिए, तो आप यहाँ से एनहांसड इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड से आप करेक्ट कर सकते हैं। अभी देखिए सरनेम, इधर आपको यहाँ क्लिक करते ही इसका ट्रांसफॉर्मेशन इधर आ जाएगा। अगर वो भी करेक्ट नहीं है तो आप यहाँ से कीबोर्ड की हेल्प से कर सकते हैं। फिर देखिए सी, डिटेल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन विथ इलेक्टोरल रोल, नेम ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, पार्ट नंबर ऑफ इलेक्टोरल रोल। अभी आपको इलेक्टोरल रोल जो हमने पहले से ढूंढा था वो वहाँ से हमको पार्ट नंबर देखना है, तो पार्ट नंबर जो है वो हमें ये मिल गया है। तो ये देखिए वोटर इन्फॉर्मेशन में पार्ट नंबर है ये जो कि लिखा है भाग संख्या या पार्ट नंबर, तो वो हम सिलेक्ट करेंगे, वो हम देखेंगे और फिर उसे हम कॉपी करके यहाँ पार्ट नंबर ऑफ इलेक्टोरल रोल में पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमें भरना है सीरियल नंबर ऑफ इलेक्टोरल रोल, उसके लिए फिर हम उधर जाएंगे। और जो नेक्स्ट है वो है मतदाता क्रमांक या सीरियल नंबर, उसे भी हम कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम उसे पेस्ट कर देंगे सीरियल नंबर में। उसके बाद देखिए डी, इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर, इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर जो है वो है यहाँ देखिए पहचान पत्र क्रमांक या एपिक नंबर, उसको भी हम कॉपी करेंगे और उसे भी हम पेस्ट कर देंगे। कॉपी हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे टाइपिंग में कुछ मिस्टेक ना हो। इस प्रकार से अभी हम यहाँ देखिए ई पे आ पहुँचे हैं, प्लीज टिक द एंट्री विच इज़ टू बी करेक्टेड, जो हमें करेक्ट करना है वो है उसे हम टिक करेंगे। जैसे कि आपको नेम करेक्ट करना है तो नेम पे टिक करेंगे, माय फोटोग्राफ पे टिक करना है तो फोटोग्राफ चेंज हो जाएगा, एड्रेस पे, लेकिन आप देखिए इसमें एड्रेस पे आप टिक करने जा रहे हैं तो ऐसा रेड सर्कल आ रहा है जिस पे आप एड्रेस पे टिक नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप नेम पे टिक किया करेंगे तो एड्रेस चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसा कि देखिए मैंने नेम का टिक कैंसिल कर दिया तो इधर एड्रेस पे टिक हम कर पा रहे हैं। इसी प्रकार से डेट ऑफ बर्थ पे आप टिक कर पा रहे हैं, एज पे नहीं कर पा रहे हैं, नेम ऑफ रिलेटिव पे नहीं कर पा रहे, टाइप ऑफ रिलेशन पे आप कर पा रहे, लेकिन इधर वार्निंग आ गया ओनली 3 एंट्री कैन बी करेक्टेड। इस प्रकार से आप जेंडर पे टिक करेंगे तो भी, क्योंकि आपने 3 एंट्री टिक कर दिया है, अगर इसमें से एक एंट्री निकालेंगे तो ये देखिए माय फोटोग्राफ है, एड्रेस है, तो आप जेंडर पे टिक कर सकते हैं या फिर टाइप ऑफ रिलेशन पे कर सकते हैं, लेकिन नेम ऑफ रिलेटिव एज पे कर सकते हैं। इस प्रकार से कुछ एंट्री आपने किया तो बाकी आप करेक्ट नहीं कर पा रहे। इस प्रकार से
ये है, देखिए अभी मैंने नेम पे एड्रेस पे टिक किया है, अभी नेम पे कर रहा हूँ और माय फोटोग्राफ पे कर रहा हूँ, फिर नेम ऑफ रिलेटिव पे कर रहा हूँ, ये तीन एंट्री कर रहा हूँ। चौथे एंट्री पे नहीं कर सकता, वार्निंग आ जाएंगी, ओनली थ्री एंट्री कैन बी करेक्टेड। इस प्रकार से फिर मैंने आपने नेम फिल करना है, इसका करेक्शन इधर आ जाएगा रीजनल लैंग्वेज में, जो जो स्टेट आपने सिलेक्ट किया होगा उसके आधार पे वो आ जाएगा। जैसे कि तमिल में सिलेक्ट किया है तो तमिल लैंग्वेज में ये आ जाएगा। इस प्रकार सरनेम, उस प्रकार से एड्रेस आप फिल नहीं कर पा रहे क्योंकि एड्रेस आपने सिलेक्ट नहीं किया था। फिर आप इस आगे जाएंगे, इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर, ये तो आप नहीं कर पाएंगे, जो नहीं कर पाएंगे उधर ऐसा रेड सर्कल आ जाएगा। इस प्रकार से रिलेटिव नेम आपने सिलेक्ट किया था, इधर देखिए नेम ऑफ रिलेटिव सिलेक्ट किया था तो नेम ऑफ रिलेटिव में आ जाएंगे। लेकिन उसका रिलेशन आप नहीं टिक कर नहीं सिलेक्ट कर पाएंगे क्योंकि आपने टाइप ऑफ रिलेशन सिलेक्ट नहीं किया था। अगर मैं ये फोटोग्राफ कैंसिल करता हूँ तो इस पर आप ऐसा कर सकते हैं, तो नेम, नेम ऑफ रिलेटिव, टाइप ऑफ रिलेशन, इस प्रकार से आप कर सकेंगे। तो इधर देखिए रिलेटिव्स नेम में आप एंट्री कर पाएंगे, रिलेटिव्स सरनेम में कर पाएंगे, उसका रिलेशन भी, जैसे कि आफ्टर मैरिज वुमन का जो रिलेशन है, जैसा कि पहले फादर का नाम होता है या मदर का नाम होता है, तो आफ्टर मैरिज उनको हस्बैंड का नाम डालना होता है, या फिर आप इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। फिर जेंडर, जेंडर सिलेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि आपने इधर जेंडर सिलेक्ट नहीं किया था। इस प्रकार से मान लीजिए मैं ये टाइप ऑफ रिलेशन ये करता हूँ, जेंडर सिलेक्ट करता हूँ अभी, तो जेंडर में क्या कर सकते हैं, देखिए सिलेक्ट जेंडर मेल फीमेल थर्ड जेंडर। इस प्रकार से आप यहाँ कुछ जो एंट्रीज है वो कर सकते हैं, लेकिन कुछ टिक अगर इधर करेंगे, जो टिक करेंगे इधर वो इधर सिलेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आपने ये देखा। उसके बाद आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि वो JPG, PNG, BMP और JPEG फॉर्मेट में ही होंगे। ये जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो इसी फॉर्मेट के डॉक्यूमेंट को ही सपोर्ट करता है। और इधर ये लिस्ट ऑफ सपोर्टेड डॉक्यूमेंट दिए कौन सा है, जैसा कि आप लिस्ट ऑफ एज प्रूफ डॉक्यूमेंट, अगर आपको एज प्रूफ डॉक्यूमेंट देने हैं तो इसमें से आप दे सकते हैं, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट इश्यूड बाय म्यूनिसिपल अथॉरिटीज और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ्स एंड डेट्स और बैप्टिज्म सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्कूल। इफ अ पर्सन इन क्लास 10 और मोर पास ही शुड गिव अ कॉपी ऑफ द मार्कशीट ऑफ क्लास 10 इफ इट कंटेन्स डेट ऑफ बर्थ एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। मार्कशीट ऑफ क्लास 8 इफ इट कंटेन्स डेट ऑफ बर्थ, जो भी डॉक्यूमेंट है इसमें से जो डेट ऑफ बर्थ कंटेन कर रहा है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ इंडिकेट कर रहा है, वो आप दे सकते हैं, जैसा कि इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार लेटर इश्यूड बाय UIDAR। उसके बाद लिस्ट ऑफ रेसिडेंस प्रूफ डॉक्यूमेंट, जैसे कि बैंक, किसान, पोस्ट ऑफिस करंट पासबुक और रेशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर, लेटेस्ट रेंट एग्रीमेंट, लेटेस्ट वाटर टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कनेक्शन बिल फॉर दैट एड्रेस, एनी पोस्ट लेटर मेल डिलीवर्ड थ्रू इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट इन द एप्लीकेंट्स नेम एट द एड्रेस ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंस। इस प्रकार से तो यहाँ देखिए प्रूफ फॉर चेंज ऑफ नेम, तो आपको जो आपके पास प्रूफ है आपके नाम चेंज करने का वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको ईमेल आईडी देना पड़ेगा, फिर आपको मोबाइल नंबर, देखिए एच मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर आपको देना पड़ेगा जिसपे आपको कांटेक्ट हो सकता है या फिर आपको ओटीपी मिल सकता है। इस प्रकार से उसके बाद ये डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, जैसा कि एनी पर्सन हु मेक्स अ स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन विच इज़ फॉल्स एंड विच ही आइदर नोज और बिलीव्स टू बी फॉल्स और डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 31 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 43rd ऑफ 1950। उसके बाद प्लेस, जो प्लेस होगा वो आप डाल सकते हैं, फिर डेट तो ऑटोमेटिक आ जाता है, फिर ये कैप्चर डाल के इसको सबमिट कर सकते हैं।
इस प्रकार से आप ये चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर इसको सबमिट कर देंगे तो सबमिट करने के बाद आपको एक नंबर आ जाएगा। वो नंबर आपको एप्लीकेशन जब आप ट्रैक करेंगे वो एप्लीकेशन ट्रैक करने के लिए आपको यूजफुल रहेगा। फिर देखिए जैसा कि ट्रैप एप्लीकेशन स्टेटस, एप्लीकेशन स्टेटस में आप क्लिक करेंगे तो एंटर रेफरेंस आईडी, जो रेफरेंस आईडी आपको सबमिट करने के बाद मिलेगा वो यहाँ डालेंगे तो आप जो स्टेटस है वो ट्रैक कर सकेंगे। इस प्रकार ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेटस आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल एवरीथिंग इन यूनिवर्स को और बेल आइकन को दबाइए मेरे चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए।